गाजियाबाद में लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए पुलिसकर्मियों एवं पत्रकार साथियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर गाजियाबाद पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में लगाया गया। शिविर में नाक कान आंख गला और हार्ट की जांच की गई और लोगों के ब्लड की भी निशुल्क जांच की गई। यहां तमाम एक्सपर्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर सुबह 9 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक रहा। इस कैंप में 300 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जांच कराई। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने इस शिविर का उद्घाटन किया। कैंप में काफी संख्या में पुलिसकर्मियों और पत्रकारों और उनके परिवार के सदस्यों ने मेडिकल जाँच कराई और पुलिसकर्मियों को प्रदूषण को देखते हुए मास्क भी वितरित किए गए। इस मौके पर गाजियाबाद एसएसपी सुधीर कुमार, एसपी सिटी मनीष मिश्र, सीएफओ सुनील कुमार सिंह, एएसपी केशव प्रसाद एवं अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे। बहुत अच्छा शिविर है ये, एक अच्छी कोशिश की गई है। यहाँ पर पुलिस और पत्रकार, चूँकि ये दोनों ही बिरादरियाँ ऐसी हैं जिनके पास वक्त नहीं होता, ये सबके काम जरूर आते हैं लेकिन खुद अपने लिए इनके पास कभी भी वक्त नहीं रहता। ऐसी सूरत में यहाँ पर भाई संजय मित्तल जी द्वारा कोशिश की गई है, एसएसपी सुधीर कुमार ने उसमें बड़ा सहयोग किया और इन दोनों लोगों की वजह से ये शिविर लगा जिसमें तमाम पत्रकारों और पुलिस के साथियों ने यहाँ पर अपना जो है अपना चेकअप कराया है और ख़ास तौर से उनके परिवार के लोगों ने भी यहाँ पर अपना चेकअप कराया है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और लोगों को भी ये करना चाहिए और ख़ास तौर से इस मौसम में जब स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तमाम तरीके की परेशानियाँ से लोग जूझ रहे हैं, ऐसी सूरत में इस तरह के कैंप में जो आँख नाक कान गला और ECG की जांच वगैरह की गई है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और लोगों को भी इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, गाजियाबाद की पुलिस लाइन में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और यह स्वर्गीय लाला रायचंद मित्तल जी की याद में उनकी 86वीं जन्म जयंती पर उस पर किया गया है। यहाँ पर तमाम तरीके की जाँच कराई गई हैं और करीब 300 के आसपास यहाँ लोगों ने आज स्वास्थ्य का जांच कराया, चेकअप कराया। इसमें नाक कान गले हार्ट और खून, ECG और गायनी की तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ चेकअप किया गया और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो इनके जन्म दिवस पर किया गया है ये बहुत सराहनीय काम है और ऐसा होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के आयोजन यदि हों तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे जांच नहीं करा पाते और इस तरह के आयोजन में वो जांच कराते हैं।